महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज साहब को मिलना यह बहुत एक्सीडेंटली तय हुआ। वो भी हमेशा नासिक में जाते हैं, मैं भी नासिक में जाता हूँ, लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ नासिक में रहे, दो दिन मिले भी नहीं। अचानक एक दिन मैं सुबह जब निकला तो वो उनका गाड़ियों का ताफा लग रहा था, तो मैंने पूछा कौन जा रहे हैं, तो राज साहब जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है कि दो दिन मिले नहीं और अभी गाड़ियाँ लगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो मैं जाकर गाड़ी के पास नमस्कार किया, वो उतरे, थोड़े 10 मिनट बात हुई, तब दो हिंदू व्यक्ति, दो महाराष्ट्रीय व्यक्ति जब कहते, अरे भाई मुंबई आओ कभी चाय पीने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगा। तो थोड़ी ये भी चर्चा हुई कि भाई बार बार आप प्रेस के सामने कहते हैं कि राज्य ने अपनी परप्रांतियों की भूमिका बदलनी चाहिए तो ही आगे जा सकते हैं। तो मैं एक आपको क्लिप भेजता हूँ जो उत्तर भारतीयों के सामने किया है, तो मेरा भाषण है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत पॉपुलर हुआ था। मैंने कहा भेजो, उन्होंने भेजा। तो कभी आओ चाय पीने के लिए वो और नज़दीक आया, क्योंकि मैंने क्लिप सुनने के बाद कुछ प्रश्न मेरे मन में निर्माण हुए। तो आज वो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में उनकी भूमिका समझना था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी यूनिट का कोई ही प्रस्ताव नहीं। सर, नौकरी को लेकर आपने कुछ सवाल पूछे थे और वो सवाल, आपके एग्जैक्ट सवाल और उनके जवाब बताइए। मैंने उनको कहा कि भाई आपका यह कहना बराबर, उन्होंने मुझे एक कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में नेता के रूप में जाऊंगा तो यही कहूंगा कि यहाँ के जॉब यहाँ के 80% लोगों को मिलने चाहिए। उस प्रकार से मैं महाराष्ट्र में कहता हूँ कि यहाँ के जॉब यहाँ के 80% लोगों को मिलना चाहिए। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, ये तो आपकी बात बराबर है। जैसे जम्मू कश्मीर में आज तक किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति को जाकर नौकरी करना या बिजनेस करने का अधिकार नहीं था, 370 कलम रद्द हुआ, 35A रद्द हुआ, तो अब कोई भी अन्य प्रांत का तरुण तरुणी वहाँ जाकर नौकरी और बिजनेस कर सकता है, तो जम्मू में जाकर कर सकता है, कश्मीर में जाकर कर सकता है, तो महाराष्ट्र में, तो बोला हाँ कर सकता है। लेकिन वहाँ भी मैं जाकर यही कहूँगा कि यहाँ के 80% लोगों को जॉब मिलना चाहिए। मैंने ये कहा कि ये आप जो कहते हैं वो लीगली भी बराबर है और न्यायिक रूप से भी बराबर है, लेकिन उसमें से अन्य प्रांतियों के बारे में घृणा क्यों व्यक्त होती है, उनके बारे में द्वेष क्यों व्यक्त होता है, उनके बारे में कटुता क्यों व्यक्त होती है। तो बोले कि ऐसा मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा कि लेकिन परसेप्शन ये जाता है कि आप अन्य प्रांतियों के खिलाफ हैं, उस परसेप्शन को आपको ठीक करना चाहिए। ये मैं तो उनके दृष्टि से बहुत छोटा आदमी हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई महाराष्ट्र के लोग ये चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र के नेता बने, आपके अलग अलग विषयों पर कुछ बेसिक थिंकिंग है, उसका महाराष्ट्र को उपयोग हो, लेकिन जब तक आप ये भूमिका व्यापक नहीं करते तब तक इसकी थोड़ी मर्यादा है, ये मैं नम्रता से आपको कहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोविड के 1.5 साल में मेरी भूमिका लोगों में पहुँचाने में मैं थोड़ा अयशस्वी हुआ, आप भी हुए। अब कोविड थोड़ा समाप्त हुआ है तो जो मैंने हिंदुत्व की लाइन पकड़ी थी उसको मैं और भी ज़्यादा तेज करूँगा, लेकिन मेरा अन्य प्रांतियों के बारे में कोई घृणा, द्वेष, कटुता होने का कोई सवाल नहीं। तो ऐसी चर्चा हुई। इस चर्चा का अंत ये नहीं हुआ कि चलो तो फिर कल से हम मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करने के बैठेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो प्रस्ताव ही नहीं था। आपको लग रहा है कि आप लोग कन्विंस हो गए कि उत्तर भारतीय के खिलाफ नहीं है, अब आपको लग रहा है जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका आपको समझाई? ऐसे उन्होंने समझाई, अब वो व्यवहार में भी लानी पड़ेगी। हाँ, उनको वो व्यवहार में लाने में इतनी आसानी नहीं है। यानी ये सच, मैं आज कन्विंस हुआ कि उनके मन में अन्य प्रांतियों के बारे में कोई कटुता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए जो वो आंदोलन करते हैं उससे रिफ्लेक्ट होता है कि उनका अन्य प्रांतियों के बारे में कटुता है, वो कटुता उनके मन में नहीं है। तो कटुता नहीं है, व्यवहार में प्रकट होना पड़ेगा। दोस्ती का पहला कदम है सर। मैंने एक बार कहा, मैं फिर से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनका इकट्ठा आकर, एकत्रित आकर कलेक्टिवली चुनाव को सामने जाने का कोई प्रस्ताव अभी चर्चा में नहीं। जय राउत जी आने वाले महानगर पालिका में मुंबई में शिवसेना का प्रभाव यदि है तो एक सेफ जगह पर कॉरपोरेशन में चुनाव लड़कर दिखाए। हाँ, और वो तो अमेरिका के अध्यक्ष के भी चुनाव लड़ सकते हैं, और हमारे मराठी में कहते हैं कि दंड ठोपड़ने, तो उन्होंने दंड भी चेक करना चाहिए और क्षमता भी चेक करनी चाहिए। कन्विंस फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स कि वो एकाध चीज़ हासिल करने के लिए अपने विचारों से
अपने मतों से एडजस्टमेंट कभी नहीं करेंगे। दो हिंदू जब एक दूसरे को चाय पिलाने के बाद बाहर छोड़ने के लिए आते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह कहते हैं कि फिर से एक बार आओ। भाभी ने तो यह कहा कि भाई पत्नी को भी कभी लेकर आओ। मैंने कहा कि वो तो हर वीक में 3 दिन आती है, आपके बाजू में ही हरिनिवास में उसका ऑफिस है, तो उनको बहुत आनंद हुआ। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आते वक्त दोनों साथ में आना। तो दो हिंदू कभी फिर कभी नहीं आना, हाँ आज चाय पिलाई उतने काफ़ी है, ऐसा नहीं कहते, फिर एक बार चाय पिलाने के लिए दोबारा आप राज साहब भी आप लोगों से मिलने आपके घर पे आने वाले या देवेंद्र जी से मुलाकात करने वाले हैं, ऐसा कुछ है जैसे आप उनके घर पे आए वैसे आप वो भी आपके घर पे आने वाले हैं चाय पीने के लिए? नहीं, वो आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। राज साहब मेरे घर में जब चाय पीने के लिए आएंगे वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा, लेकिन ये मैं अपेक्षा नहीं करूँगा कि वो मेरे घर में चाय पीने के लिए, निमंत्रण तो दूंगा। दादा एक प्रश्न। नहीं ऐसे वो इतने बड़े व्यक्ति है मुझे क्यों भरोसा देंगे, वो सुन रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक महाराष्ट्र का सामान्य तरुण जो है चाहता है कि महाराष्ट्र को अच्छे अच्छे नेतृत्व मिले, जैसे देवेंद्र जी का नेतृत्व है, इस प्रकार से नेतृत्व महाराष्ट्र को मिले, राज्य में वो क्षमता है। इसलिए वेलविशर के नाते, हितचिंतक के नाते मैंने उनको विनती की, यदि आपकी भूमिका उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है तो व्यवहार में वो प्रकट होनी चाहिए, परसेप्शन गलत है वो ठीक करना चाहिए, ये मैं विनती कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे प्रॉमिस करने जैसा मैं बड़ा नहीं। हमारे पार्टी में हर नेता ने कोई भी चीज़ करते वक्त एक दूसरे को कन्वे करनी होती है, उस प्रकार से देवेंद्र जी, आशीष शेलार, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जो राज साहब से संबंधित नेता है उन सबसे मैंने ये कन्वे किया कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जाने के बाद इन तीनों को क्या बात हुई वो कन्वे करूँगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।